रेडी स्टार्ट। विद्यालय में शिक्षार्थी शिक्षक से शिक्षा में प्राप्त करते हैं स्टॉप। कक्षा में समूह होता है स्टॉप। समूह में अधिगम अधिक प्रभावी होता है स्टॉप। इसीलिए लाख कोशिश के बावजूद आभासी यानी वर्चुअल ऑनलाइन या फिर डिजिटल माध्यम से शिक्षण अपना उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाए जितना वास्तविक कक्षा में होने वाला शिक्षण स्टॉक। महामारी के दौर में भले ही मजबूरीवश ऑनलाइन स्वरूप में शिक्षण संचालित किया गया, लेकिन कोरोना का जोर कम होने के बाद स्कूलों में कक्षा शिक्षण जो नियमित या प्रत्यक्ष स्वरूप में होता है उसकी ओर शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही सहप्रेम लौट आए स्टॉक। दरअसल कक्षा में प्रत्यक्ष शिक्षण में शिक्षक और शिक्षार्थी पारस्परिक संवाद करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उत्तर देते हैं स्टॉक। इसलिए कक्षा शिक्षण सीखने की अति उत्तम वैज्ञानिक और प्रभावी विधि मानी जाती रही है स्टॉक। पैरा वर्तमान समय में एक जटिल समस्या बनकर उभरी है कक्षा की निरस्ता स्टॉक। कक्षा का वातावरण बोझिल और निष्प्रभावी होता जा रहा है स्टॉक। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो अपनी शिक्षण कला से कक्षा के निरस और उबाऊ माहौल में रस भर देते हैं, कक्षा के वातावरण को रोचक बना देते हैं स्टॉक। कभी किसी लघु कथा से तो कभी किसी दृष्टांत से स्टॉक, कभी किसी समसामयिक प्रसंग से तो कभी गीत गजल से विद्यार्थियों में नई ऊर्जा का संचार कर देते हैं, उनमें उमंग भर देते हैं स्टॉक। इसीलिए ऐसे नवाचारी शिक्षकों की कक्षा विद्यार्थी कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं स्टॉक। एक परिपक्व समझ के मुताबिक वही सफल शिक्षक है जिसकी कक्षा में पढ़ने के लिए विद्यार्थियों में उत्साह और उमंग हो, आतुरता हो स्टॉक। कक्षा की भीड़ बताती है कि अमुक शिक्षक का शिक्षण कितना प्रभावी है स्टॉक। शिक्षकों को चाहिए कि विद्यार्थियों में प्रश्न पैदा करें, उन्हें जिज्ञासु बनाएं, रखने वाली विद्या से दूर रखे स्टॉक। पैरा कोई भी शिक्षार्थी तभी जीवन में अप्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा कर पाता है जब उसमें मौलिकता हो, सोच मौलिक हो, लेखन कौशल और अभिव्यक्ति में मौलिकता हो स्टॉक। निजी विद्यालयों की जो सबसे बड़ी कमी रही है वह यह है कि वे विद्यार्थी को चिंतनशील बनने से रोकते हैं स्टॉक। बच्चों को मोटी मोटी किताबों में ही उलझाए रखते हैं स्टॉक। शासकीय विद्यालयों में काम के अनुभवों के आधार पर कहा जा सकता है कि सरकारी स्कूल का विद्यार्थी ज़्यादा चिंतनशील होता है और समस्याओं से लड़ने के लिहाज से ज़्यादा जुझारू होता है स्टॉक। उसकी मौलिकता को निखारने के सरकारी स्कूलों में मंच और अवसर ज़्यादा मिलते हैं स्टॉक। लेकिन अब जो दोनों प्रकार के विद्यालयों में कमी हो गई है या इस कमी के कारण जो समानता आ गई है वह यह है कि कक्षा का वातावरण
अशासकीय और शासकीय दोनों विद्यालयों में उबाऊ हो रहा है स्टॉप। विद्यार्थी कई बार शिक्षकों की कक्षाओं में जम्हाई लेते हैं और भौतिक रसायन और जीव विज्ञान जैसे विषयों का पाठ्यक्रम पूरा करने को ही अपना परम धर्म समझ बैठे हैं। स्टॉप। कक्षाओं की सजीवता खोने लगी है और शिक्षकों में जीवट खोने लगी है। स्टॉप। पैरा। दरअसल कक्षाओं को प्रयोगशाला और कार्यशाला दोनों का किरदार निभाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। स्टॉप। ऐसा भी नहीं है कि कक्षा के वातावरण में जान फूंकने वाले शिक्षक नहीं हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। स्टॉप। आज स्वाध्यायी शिक्षकों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। स्टॉप। प्रत्येक संकुल क्लस्टर में गिने चुने ही ऐसे शिक्षक बचे हैं जो कक्षागत वातावरण को रोचक बनाकर पढ़ाते हैं। स्टॉप। भारत का भविष्य गढ़ने वाले शिक्षक कक्षा का वातावरण अगर रोचक बना दे, पहले अपनाओ बाद में पढ़ाओ कि उक्ति को आत्मसात कर ले, तो न केवल कक्षाओं में विद्यालय से बीच में पढ़ाई छोड़ने की प्रक्रिया घटेगी, बल्कि उम्दा किस्म के वैज्ञानिक नवोन्मेषी विद्यार्थी पैदा होंगे। स्टॉप। पैरा। शिक्षा मनोविज्ञान के तहत भी यह माना जाता है कि कक्षा का सौम्य वातावरण अधिगम में वृद्धि करता है। स्टॉप। पैरा। स्कूलों में शिक्षा की विद्यार्थियों के सबसे बड़े आदर्श और नायक होते हैं। स्टॉप। बच्चे उनके चलने बोलने उठने वस्त्र विन्यास केश विन्यास की सबसे ज़्यादा नकल करते हैं। स्टॉप। और दुखद पहलू यह है कि आज बच्चे अपना भविष्य शिक्षक के रूप में नहीं चाहते। स्टॉप। हमारी सरकारों को भी चाहिए कि शिक्षकीय पेशा को आकर्षक बनाएं, वेतन भत्ते सेवा शर्तें ऐसी हों कि युवा इस पेशे की ओर आकर्षित हों। स्टॉप। इसके अलावा इस पेशे में उन्हीं युवाओं को आना चाहिए जिनमें शिक्षकीय निष्ठा और अध्ययनशीलता हो। कक्षा को सजाने संवारने का मादा रखते हों और जिनमें श्रमशीलता सरलता और उद्यमिता हो। स्टॉप। लेकिन दुखद है कि ऐसा हो नहीं पा रहा है। स्टॉप। बल्कि शिक्षण की पद्धति और स्वरूप ऐसा होता जा रहा है कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हुए विद्यार्थियों का मानस बेहतर भविष्य के नाम पर ज़्यादा पैसा वाले क्षेत्र में अपनी जगह बनाना हो जाता है। स्टॉप। हालांकि नियमित शिक्षकों की आय बेहतर रही है, मगर वह स्वरूप भी अब तेजी से बदल रहा है और सरकारें कम खर्च में रखे गए शिक्षकों से काम चलाना चाहती है। स्टॉप। इसका असर शिक्षण और शिक्षा पर पड़ेगा ही, और इसका असली पीड़ित विद्यार्थी को होना है। स्टॉप।